हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे पिछला वीडियो मैंने जिक्र किया था इन्फिनिटिव, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव, वो समाप्त नहीं हो गया था, बोल रहे थे कि आगे और इसका पार्ट्स है। जैसे मैंने बताया था देयर इज अ कार टू सेल, तो बताया गया था देयर इज अ कार टू बी सोल्ड। उसी तरह से और कुछ स्ट्रक्चर है इट इज से बने हो रहा है, इट इज टाइम टू सपोर्ट हर, यही तो समय है उसका साथ देने का। ऐसा सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, सब इन्फिनिटिव के अंतर्गत ही आता है, थोड़ा सा उसका हम जिक्र कर देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है एक्टिव का, इट इज योर्स प्लस टाइम प्लस टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव है, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। यदि आप बनाते हैं इसको पैसिव में बदलते हैं तो पैसिव फॉर्म जो होता है तो इसको तो हम लिख देंगे इट प्लस इज या वाज वाज प्लस टाइम, और हवा यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को यहां पर फोर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्टिव केस को ला दिया जाता है। सर यहां तो आप जानते हैं, आप बताया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने सही बात है, लेकिन फोर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। और यहां हो जाएगा ये तो यहां आ गया फोर के साथ, उसके बाद ये आएगा टू है टू, और ये वर्ब का पहला रूप है। और बताया गया था एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब चाहे जिस रूप में रहे, पैसिव वॉइस बनाते समय किसे बदलते हैं, भीतरी में बदल देते हैं, भीतरी तो होगा लेकिन उसके पहले बी का रूप होता है बी प्लस भीतरी। यह स्ट्रक्चर है, बहुत आसान है, मैं एक एग्जांपल का समझाता हूं, समझिएगा कोई। इट वाज टाइम टू सपोर्ट हर, यही समय था उसे सपोर्ट करने का, यही समय था उसे सपोर्ट करने का। यदि आप बनाते हैं तो हमको लग रहा है कि आप बना सकते, छापिए देखिए ना पैसिव वॉइस में इट वाज टाइम, बिल्कुल सही। और मैं बताया कि इस ऑब्जेक्ट को यहां लाया जाएगा लेकिन उसके पहले क्या होगा फोर, और ऑब्जेक्ट है हर है तो हर हो गया। उसके बाद इसको अब इधर ला दीजिए टू है टू, लेकिन इसको भी थ्री में बदलेंगे लेकिन उसके पहले बी प्लस सपोर्ट का भी थ्री क्या आता है सपोर्टेड हो गया। एग्जाम्पल और लेते हैं, इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस, यही समय है रेस शुरू करने का, यही समय है रेस शुरू करने का। चलिए अब आपको बनाना है, मैं एग्जांपल इसको तो देखते हैं, इट इज टाइम, सही है यहां तक, सही है, देख लीजिए एक बार ऐसे बना है इट इज टाइम, सही है। और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां लाएंगे लेकिन किसके साथ, टू के साथ ना, नहीं 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 फोर के साथ लाया जाएगा, यहां हो जाएगा फोर द रेस, सही है। और ये जो है अब यहां जगह टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड, क्या कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए इसको देखते हैं, फिर दो चार एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इट इज हाई टाइम टू ओपन द शॉप, सर आप तो बताएं इट इज टाइम, जिक्र होगा किसी में हाई टाइम किसी में अपॉर्चून टाइम ये सब लगा रहेगा, उससे मतलब आप टेंशन मत रहिएगा। हमको तो यहां से देखना, अब आप खुद देखिए तो क्या बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, चलिए बनाइए, क्या बनाएगा इट इज हाई टाइम, सही यहां तक। ये ऑब्जेक्ट है, यही समय है दुकान खोलने का, सॉरी इट इज हाई टाइम, अधिक समय हो गया है दुकान खोलने का, इट इज अपॉर्चून टाइम टू स्टॉप द वर्क, अच्छा मौका है क्या करने का, काम बंद करने का, यही समय काम बंद करने का, इट इज टाइम टू
प्ले क्रिकेट, यही समय क्रिकेट खेलने का। ये बनाइए, इट इज हाई टाइम, यहां जो फॉर द सॉ, सही है, और इसको बदल दीजिए भीतरी में, लेकिन इसके साथ टू बी ओपेंट, क्या दिक्कत है, इतने बनाइए तो देखते हैं क्या बनेगा। इट इज अपॉर्चून टाइम, क्या हुआ जी, फॉर द स्टॉप होगा, फॉर द वर्क, फॉर द वर्क, फॉर द वर्क टू बी स्टॉप्ड, इट इज टाइम टू सॉरी फॉर क्रिकेट टू बी प्लेट, देख लीजिए मिले ये तो सही है, दिक्कत, इट्स टाइम टू फॉर द वर्क टू बी स्टॉप, सॉरी यहां स्टॉप में डबल पी हो जाए, डबल पी हो जाए स्टॉप, देख लीजिए कोई दिक्कत। और इसमें क्या खत्म हो गया, नहीं नहीं एक पार्ट और इसमें आगे आएगा, लेकिन विदाउट टू वाला केस जिक्र करेंगे, और आज इतना ही रखते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन बेल आइकन को बजाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ओके।